चलिए क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न नंबर एक सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। एड्स किसे कहते हैं? मारेंगे ना दिमाग, सही हो जाएगा। एड्स किसे कहते हैं? तो बड़े अक्षरों में आप लगाओ पहले, एड्स कैसे फैलता है। AIDS इसको बोलते हैं, ये सिंड्रोम करके इसका होता है, अभी समझाएंगे इसका फुल फॉर्म भी। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। मेरे प्यारे भाई कोई पेट्रोल लाओ, इसका कोई पेट्रोल लाओ, देखो पेट्रोल है अंदर। पहले प्रश्न तुम लिखो, एड्स किसे कहते हैं? हो गया, लिखो। यह हाँ, यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी बीमारी है जो HIV नामक ऐसा लिखाएंगे कि ज़्यादा HIV नामक वायरस से है। बोलना नहीं है, बार बार रिपीट कराएंगे, हम खुद बोलेंगे बार बार। यह एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस के कारण हमारे शरीर में फैलता है। इसका फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। डिफिशियंसी सिंड्रोम है। चले भाई पहले समझा दें इसको, सिंड्रोम है। पहले एड्स के बारे में जानो आप। चलो मेरे भाई स्टार्ट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? छोटी जरा ये बताओ अंजलि, क्या क्लियर दिख रहा है मेरा थोड़ा? यस यस, कोई दिक्कत नहीं। चले छोटी, ध्यान समझो इधर, अब कॉपी मत करो, पहले सोच समझ लो। भैया मज्जा विशेषज्ञ आगे देखो, यह एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड क्या हो जाएगा? तो ए एमिनो से आई, डी से डी, एस से सिंड्रोम। ये क्या छोटी? एड्स है। क्या है बताओ? एड्स। यह HIV से फैलता है। किससे फैलता है बताओ? HIV एक टाइप का क्या होता है बताओ? वायरस टाइप का होता है। क्या होता है बताओ? वायरस टाइप, जो हमारे शरीर में क्या होता है बताओ? घुस जाता है। अब मेरे प्यारे भाई आप ही बताइए, हमारे शरीर की सबसे इस समय मेन ताकत में अगर पुरुषों में देखा जाए तो क्या होता है बताओ? मज्जा, जिसको स्पष्ट भाषा में, ठेठ भाषा में हमारे गांव देहात के लोग इसे वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वीर्य। कोई दिक्कत? जो वीर के रूप में क्या करता था? बाहर निकलता है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, आजकल के जो बच्चे हैं वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। बुरा मत मानना छोटू, क्योंकि आप भले से मान लीजिए स्टूडेंट हो, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे और थोड़ा सा अनजान रहते हैं ना, उनको आगे पीछे का सोच सोच तो है नहीं ना, तो मम्मी पापा का ना तो किसी का। उम्र कितनी है उनकी, मैं उम्र भी लिख देता हूँ आपको, भगवान करे ऐसा पाला न पड़े 25 से तुम्हारा, नहीं तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, 52 हो जाओगे तुम। हमारे कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो, छोटी उम्र छोटी होती, जैसे बोलते हैं ना इसको एज जो इनकी होती है, या तो 12 कितना होता है बताओ? एज टू 13, या एज 12-13 साल की उम्र में लड़कियां क्या करते हैं, उनकी आवाज में बदलाव आने लगते हैं, उनका मतलब स्ट्रक्चर जो रहता है अपने आप बदलाव आने लगता है। हम लोगों की क्या होती है बताओ? आवाज़ भारीपन होने लगता है, मूंछ आने लगता है, तमाम प्रकार की चीज़ें, गतिविधिता बढ़ती रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है छोटू, स्टार्टिंग जो एज है वो आपका 12 से कितना है बताओ? 13। और एज आता है पूरे कहाँ तक बताओ? 26 साल तक। कहाँ तक बताओ? 26 साल तक। और इसी साल के बीच में कोई लड़का या लड़की
किसी गलत विशेषज्ञ के चक्कर में पढ़ करके अपनी आत्मा को खो बैठती हैं। जैसे सपोज दैट, अब आप ये बताओ छोटे, जैसे किसी एज की, अब इस वीडियो को देख करके आप गलत दिमाग मत लगाना, क्योंकि एड्स के बारे में ऐसा पहली वीडियो है पूरी यूट्यूब पर जो पूरी ओपन बोल रहा है। आप बहुत सारा, बहुत लोग पढ़ाए हैं, खान सर भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे, लेकिन हम बहकाने काम नहीं करते हैं। हमको बबुआ नहीं करना, पूरी चीज़ को समझाना है। हमको वही बताना जो बच्चा समझ जाए, पेपर में लिख पाए। पेपर में किसी के ससुर नहीं बैठेंगे बगल में शर्माना, शर्म लाज मत करना, लिखते समय नंबर एक तरीके से लिख के लाना, ठीक है। अब इनकी उम्र बताओ, ए मानो सपोज दैट ए बोए हैं, इनकी उम्र है, तुमको पता होगा छोटी, हमारे गांव देहात में बहुत बड़ी, बहुत बुरी प्रथा चलती है। पता है क्या चलती है? लड़की की उम्र रहेगी, पता है कितना? 12 साल। कहाँ लिखा है 12 साल? स्टार्टिंग एज है जब लड़की क्या करती है, अपनी मतलब की लाइफ स्टाइल से शुरुआत करती है, तो एज उसकी 12 होती है। हम ही नहीं कह रहे 12 साल की लड़की से तुम शादी करो, तुम करना चाहते हो क्या जी? गधे कहीं के मारेंगे बहुत तेज, इसका विरोध करना चाहिए। कम उम्र के लड़कियों की शादी के रूप में इसे विरोध करना चाहिए। अब बताओ इनकी एज कितनी होगी, बताओ। सपोज द लड़की की एज 18 है, सपोज दैट। देखिए आपको पता है गांव गली, गांव में कहीं भी आप चले जाओ, सिटी में भी चले जाओ, दूल्हा का एज 32 होता है। दूल्हा का एज कितना होता है बताओ? 32। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। हंसना मत मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है इसके बारे में। अब आप नजरें जमा के रखना, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? अरे यार बबकाते क्यों है एक साथ में, पहले साइलेंट होकर सुना किया करो कोई चीज। नॉलेज पा रहे हो, हमें दे दोगे क्या आप? लड़की की उम्र 18, बच्चा कितना बताओ? 32। ये 18 साल है, ये कितनी है बताओ? 32। ये सबसे बड़ी ढकोसला है। क्या है बताओ? ढकोसला। ढकोसला क्यों है? पूरी तरीके से फ्रॉड माना जाता है। क्या माना जाता है बताओ? फ्रॉड। क्योंकि लड़की की उम्र कैसी है बताओ? 18 साल की। अरे भाई सोनी तुम, चलो चलो बैठ जाओ फटाफट, चले आगे। लड़की की उम्र कितनी है बताओ? 18। और लड़का मिलता कितने है बताओ? या तो सुनो 32 मिल जाएगा, कुछ लोग 26 ला देंगे, कुछ लोग 25 ला देंगे, कुछ लोग 27 ला देंगे, 28 ला देंगे, 29 ला देंगे, 30 ला देंगे, 31 ला देंगे, 32 ला देंगे। अरे मेरे प्यारे भाई आप ये बताइए, आपके साथ धोखा होता है कि नहीं होता है पहले ये बताओ। लड़की की उम्र 18 साल है, क्या जानती है बताओ? ये क्या जानती है? और ये महोदय जी मज्जा विशेषज्ञ होते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट गांजा दारू शराब तमाम प्रकार की चीज़ें। कोई अपने आप को कितना बड़ा हीरो बन जाए, जिसकी उम्र अगर 32 साल है कह दे मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं छोड़ दूंगा अपना। कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक क्या है बताओ? नशा कैफीन होता है, मार देता है, उसकी मज्जा ढीला हो जाता है। ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ज़्यादा डेली, बाद में आँत सड़ती है, किडनी सड़ती है, लीवर सड़ती है। तुम हमें देखो, उधर मत देखो सर को। हमारे कहने का मतलब ये है, किडनी लीवर क्या हो जाता है बताओ? छोटी बर्बाद हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की नशा है, जैसे क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कैफीन, बताया था ना कैफीन होता है। तो आप बताओ नशा नहीं करते लोग? नशा बिल्कुल होता है। मार का पानी पीने, जैसे बोलते हैं ना चावल जब आप खाते हो, आपको पता होगा गर्ल्स लोगों को चावल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल हैव टू वेरी रिपीटेड देन दी मंड। मार का जो पानी होता है छोटी, अगर आपके शरीर में अगर जाएगा तो क्या करता है बताओ? उसी वाइट ब्लड सेल के साथ पहुंच करके आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आपको पता ही नहीं होता है, बॉयज लोगों की प्रोटीन लेने की क्षमता 49 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है। कितने ग्राम बताओ? 49 ग्राम। लेकिन वही लोग लड़कियाँ जो होती हैं उसको 72 ग्राम एक्सेप्ट करते हैं। कितना बताओ? 72। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है बताओ? लड़कियों की स्पीड ज़्यादा है ना। तो वैसे भी लोगों के चावल की मात्रा, सफ़ेद चीज़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूध की भी मात्रा बहुत कम पीनी चाहिए। चलो आगे फटाफट। अब ये क्या बताओ? अब ये 26 साल पूरी एक्सपीरियंस बाज होता है, इसको भूत होता है, भूत समझ रहे हो, पूरी तरीके से महापागल इंसान रहता है। देखिए यही क्या करता है, 18 साल की लड़की को बहका देता है, 18 को बहका देगा, 17 को बहका देगा, 16 को बहका देगा, 15 को बहका देगा, और उनको बहका करके बुरी तरीके से। दोस्ती यारी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि आप एक बार करो 10 बार तोड़ दो, निहल्ले वाला काम नहीं करना चाहिए। शुरू से अगर करो तो आप निभा जाओ शादी तक, तो रिश्ता जमता है। लेकिन आगे क्या होता है भैया, जैसे ही मामला घटता है उसको बहका ले जाएंगे, शादी का झांसा देंगे उसके बेचारी को, बात समझे नहीं? झांसा देने के बाद ये दोनों पागल होते हैं, ये भी और ये भी, किसी फैमिली की बात नहीं सुनेंगे। करना है तो मुझे 32 साल वाले से ही करना है, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चली जाए, बात समझे। अंत में क्या होता है, अनपढ़ता की निशानी आ जाती है। एक बाबू उनके गोद में रहेगा तो एक बाबू सोया रहेगा,
बात समझे नहीं? कम उम्र में ही यह मानसिक टेंशन की मानसिक तरीके से बीमार हो जाती है। शरीर का पतलापन हो जाना, पेट का बाहर निकल जाना, हमेशा कमजोरी रहना, हमेशा थकावट आना शरीर में, तमाम प्रकार की चीज़ें। ये तो भूतनाथ है भैया, इसको गम होगा तो दारू पी करके अपना गम मिटा लेगा। लेकिन और लोग क्या करेंगे बताओ, परेशान हो जाते हैं। अब इन्हीं दोनों में इन्फेक्शन फैल जाता है। क्या फैलता है बताओ? इन्फेक्शन। जैसे पता लगा छुछेड़ा टाइप का व्यक्ति हो तो, छुछेड़ा समझ रहे हो, तुमको भी अपनी वाइफ मानता है, 10 लोगों को और वाइफ मानता है। बात समझे कि नहीं? बात समझे ना भैया? अब कहो कि क्लास में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, हमारा चैप्टर ही एड्स है। तो मैं एड्स के बारे में रुकूंगा नहीं, निर्धल्ले बताऊंगा। आप अच्छे हो ना, बुरा मत मानना, आप सही हो। लेकिन ये बेचारा 10 लोगों से फेर रखता है। यहाँ है, खूब आपसे मिलेगा, खूब बातचीत करेगा, मैं तेरे लिए पिस्टल्स महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा। जैसे यहाँ से दूर पे गया, देख लिया पीछे मेरी बीवी दिखी कि नहीं दिखी, फटाफट मोबाइल निकाला, चैटिंग स्टार्ट, दूसरी वाली तुम कहाँ हो। तो ऐसी पोजीशन में अगर ये लड़का अगर इस लड़की के साथ अगर क्या कर दे बताओ, अपनी लाइफ स्टाइल अगर ज़िंदगी बिताना चाहे ये लड़की की, किसी तरीके से एड्स के जैसा बीमार ही समझो इसको, एड्स हो जाएगा भैया। वो सोएगा तक भी नहीं जी भैया, बीमार हो जाएगी वो, एकदम पागल पूरी तरीके से, मेंटल ऐसे समझ लो पूरी तरीके से उसका हालत चौपट हो जाएगा। पता लगा बेचारा ये छत पे खड़ा है, हाँ ये मौत हो जाएगी उसकी पक्का, 10 लोगों से फेर है इसका ना, मौत होना तय है उसका। टेंशन, मानसिक टेंशन, लड़ाई करेगा ये, मारपीट करेगा, क्योंकि बाउंसर टाइप का है ना ये, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ले चुका है। बीड़ी सिगरेट पीना, 25 साल उम्र हो गई है, 25 साल बीड़ी सिगरेट पियेंगे, दारू नशा करेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे। वही अगर अपने वाइफ के साथ अगर बिताते हैं तो भैया, तो उसके लिए तो बेचारे के लिए नरक ही जाता है ना, तो चाहे भी कि एड्स के शिकार में आ जाता है वो। कभी कभी लोग आप देखे होंगे कि मार्केट में तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं, छोटी जिसको बोलते हैं कि रास्ते में मन चले लोग, मन चले तमाम लड़कियों के जाएंगे, रास्ते में जा रहे हैं बाइक से, कमेंट पास करना ज़रूरी है। और उसी कमेंट पास में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहक जाती हैं, बहक करके उस कमेंटा के पास पहुंच जाती हैं। कमेंटा क्या करता है, बाइक पे बैठाएगा, जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, कुछ होटल पे चाय पानी कराएगा भैया, वो भी अनपढ़, ये भी अनपढ़, बाद में अनपढ़ अनपढ़ में हो गए अनपढ़, तो बन जाएंगे क्या बताओ, किसके शिकार, HIV और एड्स के शिकार हो जाएंगे, मरेंगे कुत्ते की मौत, एकदम डिग्गे नाथ बन जाए, एकदम लकड़ी हो जाओगे, ना आगे की सोच ना पीछे की सोच। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जोड़ा बहुत परफेक्ट ढूंढना चाहिए। बात समझे कि नहीं? अब ये नहीं देखो ये मेरा लड़का कह रहा है 18-18, ये चाहता है कि 18-18 तुम्हारा चौपट हो जाएगी जिंदगी का, दे 18-18 हम बता रहे हैं भैया। अरे अगले बार प्रश्न पूछा था नेट वाले पेपर में प्रश्न पूछा था, क्या ऐसी रीजन है जो लड़की की उम्र कम होती है लड़के की उम्र ज़्यादा, उसका इफेक्ट है हार्मोन्स। क्या है बताओ? हार्मोन। तुम्हारे अंदर कितना हार्मोन्स है, आओ तुम सामने। अच्छा एक मिनट आ जाओ, अच्छा आ जाओ, ये देखो मेरा स्टूडेंट, अरे देख रहे हो ये इनके पास हार्मोन्स है, हम उठा पा रहे हैं ना। एज कितनी भैया आपकी? सर अभी 15 चल रहा है, ये अगस्त में सोलह में घुस जाएगा। ये पहली प्रारंभिक स्थिति पार कर चुका है। पहली प्रारंभिक स्थिति हार्मोन्स की कब स्टार्ट होती है? 12 साल से 15 के बीच में। लेकिन अगली बार ये 16 में दूसरे में पहुंच जाएगा हार्मोन्स की स्थिति में। ये तुम्हारी स्नाक को पूरा दाना वाना फेंकना स्टार्ट कर देगा। ये इसकी मूंछ की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ये जो मूंछ है मूंछ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा बताओ, दाढ़ी भी आएगी इसकी। ये हार्मोन्स की वृद्धि है, हार्मोन्स की क्या है बताओ, वृद्धि बता रहा हूँ। ये जो बाल है बेचारे का और हैंडसम बन जाएगा, कान और एकदम मशरूम की तरह बढ़ जाएगा। बात समझे नहीं? तमाम प्रकार की चीज़ें इसका बढ़ोतरी हो जाएगा। ये कंधा वंधा मोटा वोटा हो जाएगा, आवाज़ बदल जाएगी, हो करेगा, हो देखो मैं हूँ, इसलिए बेचारा बदल जाएगा। हार्मोन्स क्या करता है, आपकी शरीर की गतिविधि को बदल देता है। बात समझे नहीं? इसमें लड़कियों में हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होता है, लड़कों में कम, इसलिए एज इनकी कैसी होती है बताओ, कम, तो उनकी एज ज़्यादा। ये लोग तुरंत हार्मोन्स नहीं बना सकते, अभी इसको एक थप्पड़ कर मार दो खींच करके, तो ये क्या करेगा पता है, इसकी मसल्स ही क्यों रेड होंगे। और औरत लोग देखो चामुंडा रूप पकड़ लेती है, एक थप्पड़ मारो खींच करके तुरंत चामुंडा, लड़ने के लिए रेडी, आई एम रेडी। लेकिन मैंने एक बार भी आपसे बता दिया था कि अगर औरत अगर चाह ले पूरी अपनी फूल ताकत में आ जाए चामुंडा रूप में, एकाध दो जेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं उसको।
मोहित बॉडी बिल्डर जो पैर उठा के मारेगी खींच करके अपनी ताकत लगा करके 72 ग्राम प्रोटीन लेती है भैया वो, दाल खाए चाहे ना खाए वो बेचारी, कहीं से उसका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हम लोगों का जो होता है जेंट्स लोगों का मज्जा हड्डी से बनता है, हड्डी के बीचों बीच से, उनका रज कहाँ से बनता है, थैली से, तो थैली ताकतवर है कि तुम्हारी हड्डी के बीचों बीच का मज्जा, थैली ताकतवर है ना, भले कुछ नहीं रहेंगे, भले देख रहे एकदम वही रहेंगे, अगर खींच के अगर मार दें जिसको अगर चामुंडा रूप पकड़ लेंगे, हम आओ मुझसे लड़ो, आओ मुझसे लड़ो, अगर आ जाएंगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इनकी एज कैसी होती है बताओ, कम होती है, लेस होती है, और जो बॉयज महाराज हैं बॉयज इनकी ऐसी देवता ज़्यादा होता है। अब उतना ज़्यादा मत रखो कि आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, मैक्सिमम टू अगर आपकी 18 अगर 19, अब तो 18-19 साल में जो शादी भी कर रहा है कोई केस कर दो जेल चले जाओगे, क्योंकि 20 साल प्लस हो गया, 20 साल प्लस यानी 20 से प्लस होना चाहिए, 20-21, तो 21 अगर लड़की का है सपोज दैट, तो लड़का 25-26 होना चाहिए, बात समझे नहीं, 3-4 साल का 5 साल का गैप रहना चाहिए। अब इन्हें पता लगा लड़की की उम्र 22 साल है, लड़का कितना है बताओ 32, तो इनके पास हार्मोन्स ज़्यादा हो गया ना, इसके पास कम हो गया, जब इन दोनों का जोड़ी अगर होगा भी तो ये लड़की हमेशा के लिए परेशान रहेगी, इसको तमाम प्रकार के रोग होंगे, जैसे चिंता, क्या है बताओ, चिंता हमेशा, कितना खाए पिए शरीर रहे, कितना खाए पिए, लेकिन बेचारी को कौन सा रोग पकड़ लेगा बताओ, टेंशन पकड़ लेगा, हमेशा चिंता में रहेगी, हे भगवान खुश रहती है अभी बताओ, गांव के लोग के अंदर सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं, सबसे बड़ी कुरीतियाँ भैया, लड़की इंटर भी नहीं पास की, हाई स्कूल ही पास की, तुरंत मम्मा के पास फोन जाएगा, नाना के पास, हैं हाँ यस ये लड़के की ज़रूरत है, आप उसको ढूंढिए, मैं अपने बिटिया का शादी करूंगा, देखो ये बाप बनने की उम्मीद में है, हमारे कहने का मतलब ये है बात समझे नहीं, तुरंत शादी की व्यवस्था करवा देते हैं, और छोटी डंके की चोट पर शादी हो जाता है, बेचारी देहात की होती है बोल नहीं पाती है, लेकिन यही सिटी की लड़कियाँ देखो उनकी उम्र 24-25-26 क्या पूरी 30-30 साल हो जाता है, मजाल नहीं कि अपने बाप से उनकी बाप की हिम्मत हो जबरदस्ती कोई शादी कर दे, चामुंडा रूप पकड़ लेंगी चामुंडा, बात समझेंगे नहीं। अब ये महोदय जी क्या बताओ, गांव की लड़कियाँ रहती हैं बेचारी रेडी हो जाती हैं, नहीं रेडी होंगी तो कौन अपने बाप और भाई के लात खाए, टॉर्चर की जाती हैं, गाँव गली मोहल्ला में क्या होता है बताओ, शंका किया जाता है, जरा किसी से बातचीत कर लो तुरंत शंका आ जाएंगे इनके बॉयफ्रेंड हैं बतिया रहे हैं, तो हम लोग की गांव बहुत पीछे है इस सब मामले में। अपने आप में आप संयम बनो, जब तक अपने पैर पर खड़े जाते हो तो शादी विवाह मत कर लो, बात समझे नहीं। अब कोई कहेगा सर आपका तो हो रहा है, ऐसे कहोगे ना तो आप क्यों इसलिए बोल रहे हो, तो मुझे फैमिली रीजन है, ज़िंदगी में अगर आप माँ बाप को रुला करके माँ बाप को कष्ट में डाल करके अगर आप ऐश की ज़िंदगी जियोगे ना कभी सुख नहीं रहोगे आप, तो मम्मी को पैर में प्रॉब्लम है उनका चलना उलना उसे दिक्कत रहता है, तो बेचारी सपोर्टर तो चाहिए ना किसी को, अभी नहीं कि हम उनको रिपोर्टर बना दें कि आप ऐस कर रहे हैं हमको कैसा फील हो रहा है, अभी थोड़ी नहीं पूछेंगे भैया, ये तरीके जानो, तो एज आपका बहुत कंपेयरिंग होना चाहिए, ये अपने आप पर संयम रखो, क्षमता अपने आप पर रखो, घर परिवार क्या कहता है उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एज पर ध्यान देना चाहिए। सर जी रुक जाओ, बता रहे सारी तमन्ना पूरी कर देंगे इसी वीडियो में। अब ये 18-19 अगर आपकी एज है, अगर आपकी उम्र 18 अगर 19 है तो आप 4-5 साल गैप में रखो, लड़का या तो 23 होना चाहिए या तो 24, बस 23-24 समथिंग बहुत है, ज़्यादा गैपिंग मत रखना कि पता लगा तुम इतनी की हो तो 7 साल बड़ा हो 8 साल कतई मत करना, बात समझ गए, तुम लोग भी जी पता लगा तुम्हारी उम्र कितनी है 24 साल है, तुम्हारी उम्र 24 है लड़की 23 है और तुम खुश हो गए कि मैं करिश्मा कपूर को पा गया, कतई मत करना मेरे भैया, तुम्हारी हार्मोन्स इनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है, टेंशन बीमारी पकड़ लेगा, दारू शराब पीना स्टार्ट कर दोगे, तो अगर आप कहीं भी रहोगे अगर अनपढ़ता अगर रहेगी तो परेशान रहोगे, ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग लगाओ फटाफट सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको कैसा लगता है लाइक ठोक करके बता दीजिए, फटाफट कमेंट में बताइए कैसा लगता है आपको, ठीक है। यस ऐसी बातें करते हैं आप। अगला प्रश्न, एड्स कैसे होता है, क्वेश्चन है, देखो सोनी को गुस्सा आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, मार्क दांत टूट जाएगा तेरा, हो गया। देखो एड्स कैसे होता है, ज्ञानी बनना चाहिए ना, ज्ञानी बनोगे तो वही रहोगे अज्ञान, ज्ञान भरा रहेगा, तो तुम लोग भी 18-19 तो ढूंढोगे पूरा 32। हाँ तो लोग आगे लिखो फटाफट, एड्स कैसे होता है और क्यों होता है, होता है एड्स कैसे होता है और क्यों होता है,
लेट कर दी आने में, इसी से आज तुम्हारी क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आज हम भी पुलिस लाइन नहीं गए छोटी, अरे इतना गर्मी था रात में दिमाग खराब हो गया था पूरा। चलो भैया मिटवा दें कोई दिक्कत, अब ध्यान समझो। चलो तुम भी बैठना, तुम ही बैठ लो, क्लास तो अच्छा चल रहा है नो डाउट। चलो फटाफट चलें भैया, पंपोस ध्यान दो आगे, ठीक। विवेक, हमरेश, अभिनंदन, सुखेंदर, जोगेंदर, थारो भाई चुकेंदर, आप समझो फटाफट आगे चलें। अब ध्यान समझो भैया, हमारे शरीर में वह कौन सी ऐसी चेकिंग है, ध्यान देना पहले लिखना मत, हमारे शरीर की वह कौन सी ऐसी चेकिंग जो भंडा फोड़ देता है, बताओ। DNA। और सुनो, DNA तो ठीक है, एक टेस्ट और है जो आपके शरीर की सारी टेस्ट को कंप्लीट करा देता है, तो उसका नाम RNA। इसका संबंध किससे है बताओ, ब्लड से, किससे है, ब्लड से, हमने बताया था ना। अब ये एक तरफ मैं बनाऊंगा क्या बताओ, बॉय, दूसरे तरफ क्या बनाऊंगा बताओ, गर्ल। अब देखो इन दोनों में कैसे होगा एड्स, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एड्स कैसे होता है, इसका क्या लक्षण है, क्यों होता है, समझो पड़ा छोटू। ये बताओ, ए तो बॉय है ना, इसका बेचारे का क्या बताओ, ब्लड क्या है बताओ, ब्लड, ब्लड के छोटे छोटे क्या होते हैं बताओ, अड़ू होते हैं, क्या होते हैं, अड़ू। अब ये लड़का क्या बताओ, छुछेड़ा टाइप का है, छुछेड़ा, समझ रहे हो, इसके पास कम से कम 2-3 हज़ार नहीं लग रहा है, तुम पीड़ित हो, हमारे कहने का मतलब ये हो गया 4-5 वाइफ तो रखा है पक्का, वाइफ बोला हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बोला हूँ, वाइफ बोला, वाइफ मतलब समझ रहे हो, ये गधा ऐसा है, पहले के राजाओं जैसा तुम नहीं हो, पहले राजाओं जैसा हम लोग नहीं है, पहले के राजाएं आहार लेते थे, और तुम दोहरा खा रहे हो, तुम दुहार ले रहे हो तुम फटाफट, हमारे कहने का मतलब ये, क्या झांक रही जी, अच्छा अच्छा हवा लग रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा ध्यान दे लो ए भैया, वीडियो ध्यान दे लो, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, नॉलेज मिल जाएगा। ये छुछेड़ा टाइप का व्यक्ति है, इसका एक लोगों से नहीं 10 लोगों से अफेयर है, वाइफ बोला हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बोला हूँ क्लास में। अब बताओ ये वाइफ, 3-4-5 वाइफ रखा है पक्का ये, और ये बेचारी सीधी साधी, सीधी साधी, ये छुछेड़ी नहीं है, ये बेचारी बहुत सीधी सादी है, इसका कोई आगे पता कुछ नहीं है भैया, ये केवल देखो भैया, अब जाने दो क्या बोले हम अभी, क्या तो ये सीधी सादी है ना, अब ये क्या करेंगे बताओ, इसके साथ शादी का झांसा तो दिए है ये बेचारा, इसके साथ जो भी एक्टिविटी किया, जिसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रजनन, जनन बोलते हैं प्रजनन ना। अब आप ये बताओ, ये इनके साथ संबंध में रहेगा, भाई वाइफ है, और जैसे बेचारे संबंध में रहते, इसके जो अड़ होते हैं किसमें घुस जाएंगे, लड़की के अड़ू में, बात समझे, उसके खून में पहुंच जाएगा। खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब सुनो, पहुंच गया इसमें ना, इस गधे के इस अड़ू में कितने महिलाओं का अड़ घुसा था इसका कोई पता होता नहीं था। अब इनकी चपेट कौन हो गई बताओ, ये लड़की हो गई ना। अब देखो मरेगा कौन, ध्यान देना, अब मरेगा कौन, अब ध्यान देना तुम, अब ये तुरंत अगले दिन क्या होगा, आयरन की कमी, तीसरे दिन क्या होगा, ब्लीडिंग आना, क्या होगा बताओ, ब्लीडिंग, ब्रश करेगी तो भी खून निकलेगा, छींकेगी तो भी खून निकलेगा, बात समझे, खाना खाएगी शरीर में पता ही नहीं चलेगा किस नली में जा रहा है, भूत नियर तो खाएगी, काग दो थाली खाएगी, खाना खाएगी लेकिन किस नली में जा रहा है, कब कैसे लग रहा है पता नहीं चलेगा, बात समझे। बाद में क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी, पतलीपन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट उसके बाहर निकलेंगे, और हल्का हल्का फीवर आएगा, क्या आएगा बताओ, फीवर। अब फीवर के आने के साथ साथ बेचारा, बेचारी, दोनों लोग, बेचारा भी और बेचारी भी, दोनों की तबीयत खराब होगा, दोनों खराब होगा। अब देखो कितने लोग मरेंगे, एक लोगों की गलती से कितने लोग चौपट होंगे, सब मर जाएंगे, ये भी चला जाएगा, ये हस्बैंड, हाफ पैंट भी चला जाएगा बाद में, दोनों भी, दोनों दोनों एड्स अगर हो जाए दोनों मरेंगे पक्का। अब बताओ ये पतलापन की शिकार बन जाएगी, सो नहीं पाएगी, नींद नहीं होगा, हाथ पैर ऐठन होगा, अगर हड्डी टाइट कर दी, अगर पूरी अपनी हड्डी अगर टाइट कर दी तो ये हड्डी टेढ़ापन हो जाएगा, ये ऐसे जिसको बोलते हैं पालिश वालिश मार देना। अब ये तमाम प्रकार की चीज़ें, लेकिन बोए महाराज का क्या होगा,
लगे 440 बोल्ट छुछेड़ा से तेरे। हमारे कहने का मतलब ये कि परेशान हो जाएंगे, ये कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत। अब ये लोग तो जाएंगे, ये महोदय लोग तो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो 5 और छुछेड़ी लोग जुड़ी थी ना, वो भी जाएंगी। अब वो तो हीरोइन बनेंगी भाई, एक लोगों को एड्स हो गया था, हम बचे हैं। तो जो पहले का जो खून रहता है वो कहीं गया नहीं है, खून का खून रिश्ता बना करके उनको भी चपेट में डाल देगा। 10 दिन बाद डालेगा, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, मरना तय है। अच्छा छोटू एक बात बता दें, एड्स का इलाज मेरे भारत में नहीं है, आपको सिंगापुर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? सिंगापुर। या जाओ आप एक दिन का 32-33 लाख रुपये शरीर पर खर्चा करो। तो कहाँ है इतना पैसा? इसलिए सब लोग क्या पसंद करते हैं? मौत। आराम से परिवार वाले हिम्मत हार जाएंगे, परिवार वाले बोलो मत, एकदम साइलेंट रहो, परिवार वाले हिम्मत हार जाएंगे, केवल खटिया बैठे रहोगे बस ऐसे ही। सब आएंगे तुमसे मिलने के लिए, नहीं तुमसे पूछेंगे भैया क्या हुआ, क्या कैसी है तबीयत, अरे कुछ तबीयत का पता ही नहीं चल रहा है। घर वाले यही बोलेंगे बहुत चेक कराओ भैया, ओझा को चेक कराए, वैद्य को चेक कराए, भूत को चेक कराए, कोई भूत उत लपटी भूतानी लपटी होगी, उसको चेक कराया तभी नहीं मिला, डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो अंत में समझ जाओ कि उसकी मरना तय है। और उनको हुआ क्या है बताओ? HIV। क्या हुआ है? HIV एड्स। क्या बोलते हैं भैया? ए फर्स्ट डे क्लास है ना, इसलिए घबराना मत कि सर ने क्या बताया, यह बताना जरूरी था। हम इस वीडियो से यह संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्या रहना चाहिए? अलर्ट। 100 बार सोचो। हम तो ये कहते हैं मेडिकल मांगो, मेडिकल मांगो, मेडिकल। आजकल अब शादी करो मेडिकल मांगो, तुम लोग लड़कियां लोग भी मेडिकल मांगो, लड़के भी मेडिकल मांगो। श्री रामचंद्र की जय। मेडिकल की डिमांड करो, शादी तभी करूंगा जब मेडिकल लूंगा तब। क्या चीज़? कौन कौन? अरे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा ये, देखो आगे इसमें पूछो, कैमरा में पूछो, अरे पूछने में क्या जाता है, आ जाओ भाई टोटल आ जाओ। देखो मेरा स्टूडेंट है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। तो बहुत मेरा चूना लगवाते हो। आप मेडिकल मांगे थे लड़के? इसका कहने का मतलब जब आपका शादी लग गया है, क्या आप लड़की से मेडिकल मांगे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब इस बात का बुरा आप मत लीजिएगा सर पे, हमारा वीडियो आपको नॉलेज देगा, बस ये मत सोचना कि गलत संदेश जाएगा। के कैंपस नाम नहीं, के कैंपस नाम नहीं। यस सर, ब्रांड है, ब्रांड है ना। यस आप बैठिए, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, फटाफट बैठिए। बस बस छोड़ आने दीजिए, सत्यम तौर तो वैसे भी। तो भैया आगे चलें सर। इसी सब दो लोगों के बीच में आपको भरोसा शब्द बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी के बोलने के स्टाइल से, बात करने के स्टाइल से आप पकड़ में कैच कर सकते हो कितना आदमी एडवांस है। अगर वो इंसान अगर हमको हमसे अगर बात किया है फ़ोन से, तो हमको भाप चुकी होगी कि कैसे हैं लोग। सर आप ही लोग सही से बताएंगे, पूरे क्लास जितने लड़के बैठे हैं या लड़कियां बैठी हों, चाहे कितने बैठे, चाहे 50-60 आप लोग बैठे हो पूरी सीट में, लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, इसने छोटे छोटे क्लास के हैं, मेरा बिहेवियर कैसा है आप ही बताओ। सबसे बोलता हूं, सबसे जितने लोग होते हैं किसी कोई बता दो, कभी मारा में किसी की मुक्का से, किसी परेशान किया लड़के लड़कियों में नहीं, सबसे मिल पट के रहे। लेकिन ये है छुछड़ाई बाजी मेरे अंदर नहीं है, बात समझेंगे नहीं? आज इनको हम पहचान लेते हैं, मेरी आंखें इतना खतरनाक है कि अगर वो लड़का अगर वो लड़की अगर गड़बड़ है तो उससे झगड़ा मेरा हो के रहेगा पक्का, या झगड़ा होगा या तो वो दूरियाँ बना ले अपनी, ना उससे बातें चीत नहीं होगी, तो गुस्सा एकदम दिमाग उसको खलेगा एकदम, पता नहीं क्यों। कोई भी हो उसके एकदम अलर्ट ही रहेंगे, वो हमेशा अलर्ट गेट टू बाहर हमेशा। और मैं जानता सब हूँ क्योंकि मेरा नाम लवकुश है, एक साथ लवकुश नाम पड़ा है, श्री रामचंद्र के डबल पुत्र हूँ मैं। हाँ, एक साइड लव एक साइड कुश। तो हमको समझाने की आवश्यकता नहीं, इस वीडियो को देख करके आप गलती ना समझे। आप एड्स के बारे में जाने, कैसा लगा हमारा वीडियो, कल मिलेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।